अच्छा, अगर हम बात करें कि पॉलिटेक्निक फ्रेशर्स को कितनी सैलरी का जॉब मिलता है, तो शायद आप लोगों को ये जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है हर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को। जब वो पॉलिटेक्निक एडमिशन लेने जाता है उससे पहले, या पॉलिटेक्निक कर रहा होता है तब भी। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हो पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल। जो लोग पहली बार चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हो, पॉलिटेक्निक फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी की बात की जाए तो हर ब्रांच का अलग अलग है। जैसे अभी बात कर लिया जाए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की और आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, दोनों ट्रेड में अगर आप बहुत अच्छे हो, मतलब कि आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली अगर आप स्टार्टिंग सैलरी की बात करोगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये आपको इजिली मिल सकता है। इजिली, जिस तरह वर्ड यूज किया मैंने, इजिली मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको प्रोग्रामिंग पे कमांड होना चाहिए, वरना 5 से 10 हज़ार की सैलरी इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्लियर मैं बोल रहा हूँ, और वो बात आपको लगेगी भी कि सर इस तरह कैसे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, 5 से 10 हज़ार की ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाएगी। दूसरी ब्रांच आती है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में डायरेक्टली कोई जॉब नहीं देता, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। सिविल इंजीनियरिंग में 1 साल अप्रेंटिस टाइप में आपको करना पड़ेगा। आप उसको ट्रेनिंग मान लो या अप्रेंटिस मान लो, ट्रेनिंग या अप्रेंटिस जैसी चीज़ें मान लो, क्योंकि सिविल में डायरेक्टली जॉब पे क्यों कोई नहीं रखता, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स को इंडस्ट्री का उतना नॉलेज होता नहीं है और वहाँ पे हर चीज़ें प्रैक्टिकली ही होती हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का पार्ट हो। तो 1 साल 8 से 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये पे आप रख लिए जाओगे मैक्स टू मैक्स। लेकिन हाँ, उसके बाद जब सैलरी ग्रोथ है वो कमाल की है, औसम है। उसके बाद आपकी सैलरी ग्रोथ 1 साल बाद अगर 15 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हो, अगर अच्छे सिविल इंजीनियर हो तो। नहीं हो तो फिर वही 10 से 15 हज़ार के बीच में वैरी करेगा। उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल की अभी बहुत तगड़ा चेंजेस हो रहा है मैकेनिकल इंडस्ट्री में। मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी की मार्केट बहुत तेज़ी से आ रही है। इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ें आ रही हैं। ईवी की जो मार्केट है ना मैकेनिकल इंडस्ट्री में, बहुत तेजी से आगे जा रही है। तो अगर हम बात करें, जो लोग आईओटी, ईवी जैसी चीजें अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री में सीखे हो, तो 15 से 20 हज़ार रुपए की सैलरी फ्रेशर लेवल पे आप इजीली ले सकते हो। वरना वरना ये मैं बता दूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब लेने के लिए आप तरस जाओगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एडजस्ट करो, और मैं बता दूं, 4 5 साल बाद 60 से 70 हज़ार रुपये महीना इजीली आप कमा सकते हो। कोई जापानीज कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, इंडियन कंपनी, एमएनसी कंपनी में एंट्री हो गई, तो मैकेनिकल के बाद बहुत पैसे है। अब आ गए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का भी स्कोप है। इलेक्ट्रिकल देखो, जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं ना, बीटेक वालों को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। बीटेक वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो वो कंपनियां क्या करती हैं, डिप्लोमा वालों को लेकर के आती हैं, क्योंकि डिप्लोमा वाले कम पैसे मान जाते हैं, तो डिप्लोमा वाले वहाँ डील करते हैं। डिप्लोमा वालों का स्कोप वहाँ पर अच्छा खासा है, डिप्लोमा वाले वहाँ से नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं चीज़ें। तो आप सोचो ना कि डिप्लोमा होल्डर्स की कितनी डिमांड है, डिप्लोमा होल्डर्स क्या से क्या कर सकता है, और डिप्लोमा के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप सही तरीके से करते हो तो इस इंडस्ट्री में भी आप 15 से 20 हज़ार की जॉब ले सकते हो, ठीक है। चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो, चाहे वो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो, चाहे वो एसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आपके लिए जॉब है। तो अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर चीज़ें वही आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। तो बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, करियर में आगे बढ़ना, करियर में किस तरह से आगे बढ़ें, तो आप लोग careeraddaeducation.com पे जा करके कंसल्टिंग सर्विसेज मेरे से ले सकते हैं और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। थैंक यू।